चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज ए ऑक्सीजन इज इन डिफरेंट ग्रुप एट द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम नाइट्रोजन, बी इज ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, सी इज ऑक्सीजन इज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन एंड डी सेज ऑक्सीजन हैज अ लोअर डेंसिटी देन नाइट्रोजन. सो हमें बताना है कि हम ऑक्सीजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्यों ऑब्टेन कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज ऑक्सीजन सिंथेसिस यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो अगर हम इसमें इसमें हम क्या करते हैं कि जो एयर है उसको हम लिक्विफाई करते हैं टू लिक्विफाइड एयर एंड दिस इज कॉल्ड जाउल थॉम्सन इफेक्ट. सो इसके बाद क्या होता है कि ये जो लिक्विफाइड एयर है इसमें से हम क्या करते हैं CO2 एंड वाटर वेपर्स को रिमूव करते हैं यूजिंग सॉलिडिफाई. सो इनको हम कैसे रिमूव करते हैं, सॉलिडिफिकेशन से. सो अगर हम देखें अब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो रिमूव हो गए. सो हमारे पास जो रह जाता है रिमेनिंग दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन. सो ये हमारे पास बच जाते हैं और बाकी चीजें रिमूव हो जाती हैं. सो इट इज लिक्विड ऑक्सीजन. सो अगर अब हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 195.8 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर दिस इट इज 180. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज हायर फॉर ऑक्सीजन. सो बॉइलिंग पॉइंट इज हायर फॉर लिक्विड ऑक्सीजन देन लिक्विड नाइट्रोजन. Because they have a difference in their boiling point, that's why we can separate oxygen using fractional distillation. Because oxygen has a higher boiling point than nitrogen. So, इसका reason यही है कि इनके boiling point में difference होता है. So, एक बहुत ज़्यादा economical method है to obtain oxygen from air by fractional distillation. Hope you find the answer. Best of luck.